नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग आपके कुछ और क्वेरीज ले लेता हूं मैं, जो कि आप लोगों ने मुझसे पूछा था। काफ़ी समय से चले आ रहे थे, तो मैं आज थोड़ा संडे था, फ्री था, तो मैंने कहा आपको कुछ क्वेरीज ले लेता हूं। तो सुदीप चौधरी लिखते हैं, बेस्ट बुक्स फॉर IAS मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लीज मेक वीडियो। सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एक्चुअली मैंने इलेक्ट्रिकल से दिया था, तो मैंने इलेक्ट्रिकल का एक वीडियो आप लोगों को दिया है और आप उसको देख सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं है। रुद्रेश कुमार लिखते हैं, सर आप इतनी अच्छी नॉलेज देते हैं, उनके मज़ा आ जाता है। थैंक यू रुद्रेश, ये इन्होंने लिखा था वो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट वाले वीडियो पे, थैंक यू। उसी तरह से निहार रंजन भी लिखते हैं, यू आर ऑसम, थैंक यू। निहार कोटा साई लिखते हैं, थैंक यू। शांतनु बेतल लिखते हैं, थैंक्स, ओके शांतनु। ऋषभ भी वही लिखते हैं, और सुदीप चंद्रा का वही कमेंट है। अजय कुमार कमेंट करते हैं, 2024 में ही वैकेंसी जाएंगी। नहीं, ऐसा तो नहीं है, बट 2021 में आप एक्सपेक्टेड रखिए, आना चाहिए। अविचल झा लिखते हैं, सर बींग IAS ऑफिसर्स का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है PCS ऑफिसर से। नहीं, IAS ऑफिसर इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, PCS ऑफिसर से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। अगर आप किसी छोटी जगह पर या क्लब व्लब में आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो अलग बात है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा जो है IAS IPS की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप पर्सनली वैसे कॉन्ट्रैक्ट रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर्सनल क्लब आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसमें भी आप रख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, जैसा मैंने आगरा में किया हुआ था। तो आगरा में वहाँ पे आते थे IAS ऑफिसर, या जमालपुर में हम लोग जब थे तो वहाँ पे भी मुंगेर के SP और DM वगैरह खेलने आते थे गोल्फ, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता था। बट ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, ना ही आप IAS के अंडर में काम करते हैं। किशोरी कुमारी लिखती है, सर 19 ईयर्स सर्विस हो गया है आपका। हाँ, हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इन्फोवुड कमेंट करते हैं, सर हाई मनी ईयर्स एक्सपीरियंस यू इन IRMS तो अभी आया है, अब आएगा तो उसके बाद देखेंगे। अभी तो मेरा 2000 बैच है, तो करीब 20 ईयर्स का हो गया है। उसके बाद पारस मून लिखते हैं, सर प्लीज़ रिप्लाई, कैन वी डू MTech एट वाइल डूइंग जॉब इन रेलवे। हाँ, श्योरली यू कैन डू द MTech, वो 1.5 साल का कोर्स होता है, आपको 2 साल का स्टडी लीव मिल जाता है जॉब के दौरान, उसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD कोई भी आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको, चूँकि MTech 1.5 साल का होता है, तो 2 साल में कंप्लीट हो ही जाएगा। अगर आप PhD वगैरह कर रहे हैं जिसमें 3 साल का वक्त लगता है, तो आपको स्टडी लीव जो पेड होती है वो आपको 2 साल की मिल सकती है मैक्सिमम। उसके बाद आपको LWP या लीव विदाउट पे, या अपनी जो अर्न लीव है उसमें से छुट्टी लेके अपना कम्प्लीट करना पड़ेगा। अयान कम्प्लीट लिखते हैं, सर 1 वीडियो ऑन CES प्लीज कवर प्रमोशंस कार बंगला पोस्टिंग लोकेशन पावर ETC CESG व्हाट यू वांट टू से सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज, मैंने उसके ऊपर दिया है CPWD के ऊपर एक वीडियो, और एक CPES पे भी दिया है सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज पे। आप कौन सा चाह रहे हैं, आप दोनों में से कोई भी देख सकते हैं जो आपको ज़रूरत है। आदर्श राय लिखते हैं, सर आपको इसने बोला कि IAS को मेंटल पीस नहीं होता है और वो रूरल एरिया में पोस्ट होता है। जी हाँ, बिल्कुल ये सही बात है। आप इनिशियली पोस्टिंग देख लीजिए, SSP की भी यहाँ पर पोस्टिंग देखता हूँ, कहीं मुंगेर में है या आपका मोतिहारी में है, मैं यहाँ पर भी देखता हूँ। तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे होती है DM और SP की पोस्टिंग, और उसके बाद जो कमिश्नरीज होती हैं या जो आपके जो पोस्टिंग होती है DIG लेवल पर पुलिस में, वो भी कोई बहुत बड़े जगह नहीं होती है, वो भी काफ़ी स्मॉल प्लेसेस होते हैं। और आप अगर DIG हैं या आप कमिश्नर हैं, तब भी आपको मेंटल पीस तो मुझे नहीं लगता कि होती होगी, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत काम होते हैं, तो मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता हूँ। आदर्श राय फिर ने कमेंट, एक ही कमेंट बार बार किया है इसलिए छोड़ देते हैं। हेल्प विद म्यूजिक, थैंक यू। रवि दास लिखते हैं, सर ITS टेलीकम्युनिकेशन और सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज में अच्छा कौन सा है। देखिए, ITS एक बहुत अच्छी सर्विस हुआ करती थी, लेकिन अभी जब से BSNL बना है, और BSNL बनने से जो है ये आपका निगम हो गया है, भारत संचार निगम, पहले ये DOT हुआ करता था, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, तो उसमें ITS ऑफिसर्स के प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छे थे। अभी क्या हो गया कि जब से ये BSNL बना है, तब से जो है एंट्री लेवल जो इसका हो गया है, आपका जो JTO वाला एंट्री लेवल है, वो भी ग्रेजुएशन हो गया और उसके प्रमोशनल प्रॉस्पेक्ट बढ़ गए हैं। ITS में जो लोग ऑप्ट करके DOT ऑप्ट किए, उनके प्रमोशनल प्रॉस्पेक्ट जो है इसमें ख़राब हो गए हैं, और पहले जो उनको फास्ट प्रमोशन मिलते थे वो अब नहीं मिल रहे हैं। इसलिए आज की डेट में ITS के कंपैरिजन में सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज को मैं कुछ बेटर मानता हूँ। पहले ITS बहुत अच्छा था, नो डाउट। सौरभ कार लिखते हैं, सर रेलवे में JEE पे
काम करने के बाद IRMS दे के ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी एज है तो आप कर सकते हैं, आप IRMS का एग्ज़ाम दे सकते हैं और उसको क्वालिफाई करके आप निकाल सकते हैं UPSC के थ्रू। ओंकार तिवारी लिखते हैं, सर गुड इन्फॉर्मेशन, थैंक यू ओंकार। और समवन लाइक्ड माय रिप्लाई, हाँ थैंक यू, जो भी है। प्रतीक महतो लिखते हैं, सर प्रवीण विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, आई एम नॉट कंपेयरिंग IAS विद IAS, आई रिस्पेक्ट बोथ जॉब, ओके शोके, बट आई यू आर आप कह रहे थे कंपेरिजन अच्छी बात नहीं है, बट मुझे नहीं लगता कंपेरिजन से अगर लोगों को गाइडेंस मिलता है तो कंपेरिजन करना चाहिए। और जहाँ तक आप बताते हैं कि आपका कोई ब्रदर है जो कि IAS है और IAS के अंडर काम कर रहा है, मैं 20 साल की सर्विसेज में किसी को आज तक नहीं देखा, अपने साथी को या मुझे खुद कभी कि किसी ने IAS के अंडर काम किया हो, तो मैं आपकी बात से जो है एग्री नहीं करता हूँ। रुकलेश आसमानी लिखते हैं, हेलो सर, आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, नाउ माय 7th सेमेस्टर इज गोइंग ऑन, प्लीज़ गाइड मी गेटिंग ए जॉब, शुड आई प्रिपेयरिंग, यस आप अभी से तैयारी कर दीजिए, 3rd ईयर इज ए वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट, और अभी आपके पास फाइनल ईयर तक करीब 1.5-2 साल का जो वक्त है उसमें आप अच्छे से थोड़ा स्टडी करिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करिए और अपने बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। कॉलेज के एग्ज़ाम निकालने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि कंपटीशन में आपको वही काम आते हैं। कॉलेज के एग्ज़ाम तो थोड़ी बहुत पढ़ाई से भी निकल जाते हैं, बहुत अच्छे परसेंटेज बन जाते हैं, और जब आप कंपटीशन फाइट करेंगे तो आपको बहुत सारी जो है ऑल इंडिया लेवल पे होंगी, तो काफ़ी सारी आपकी बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। थ्योरेटिकली यू शुड बी स्ट्रॉन्ग, और न्यूमेरिकली भी आपको जो है न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर आते हैं जो कि आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए, वो आपके लिए उससे आपका सब्जेक्ट पर कमांड आएगा। प्रतीक महतो रखते हैं, सर यूर IAS सो यू आर ग्लोरीफाई, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने कई इसमें भी सर्विसेज की तारीफ़ की है और जिन सर्विसेज में जो अच्छाइयाँ हैं वो भी मैंने बताई हैं अपने कंपेरिजन में। ऐसा नहीं है कि IAS में ही सारी अच्छाइयाँ हैं, कुछ और अच्छाइयाँ दूसरे जॉब्स में भी हैं, जैसे कि PCS में मैंने कहा था कि आपको स्टेट में पोस्टिंग मिलती है, आपको ऑल इंडिया जाना पड़ता है, आप घर के पास पोस्टिंग के चांसेस कम रहते हैं, तो हर एक के अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों मैंने दिए हैं। आप ये मत सोचिए कि मैंने IAS को ही जो है ग्लोरीफाई किया है, IAS के अपने एडवांटेज है पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनका जो सोशल सर्किल है और उनकी जो रिस्पेक्ट है वो कंफर्टेबली ज़्यादा होती है, बात मैंने अपने वीडियो में बोली है। तो ऐसा नहीं है कि मैं दोनों जॉब्स को जो है कंपेयर करने में सिर्फ इसी को ग्लोरीफाई कर रहा हूँ, पर जहाँ जो एडवांटेज यहाँ है वो मैंने बताए हैं। प्रदीप पटेल कह रहे हैं, सर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट कब आएगी UPSC AE की, इस बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, आएगी तो आपको पता चल जाएगी। देवासी सेनवाल कहते हैं, मैं प्लीज़ शेयर योर व्यूज ऑन स्पिरिचुअल नीड अलॉन्ग विद मटेरियल सक्सेस। हाँ मैं इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो लाना चाहता हूँ, कुछ मैं लेके भी आया था, बट अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा मिलेगा और आप लोग उसको देखेंगे और उसमें देखने में अगर आप लोगों की रुचि होगी तो मैं उस तरह के वीडियो लेके आऊँगा, और मेरा भी मन है उसमें, आई वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड टू टेक सच वीडियोज, बट रिस्पॉन्स थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है तो इसीलिए मैं अभी उसमें ज़्यादा नहीं गया हूँ, बट अगर उसमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा देन आई विल टेक फर्दर मोर वीडियोज। आकांक्षा यादव कहती है, सर प्लीज़ गाइड मी, आपको किस चीज़ के लिए गाइड करना है मुझे बताइए, तो देन आई विल गाइड यू। आपने अपना वो नहीं लिखा है क्या गाइडेंस आप चाहती हैं। अनातोली सिरकॉब लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं। मेहतामुल्ला मासूम लिखते हैं, सर विच टेक्नीशियन जॉब इज़ बेस्ट अमॉन्ग TRS एंड सिग्नल इन टर्म्स ऑफ वर्क प्रोफाइल एंड प्रोमोशंस। फील्ड जॉब में अगर थोड़ा चाहते हैं तो सिग्नल में जा सकते हैं, और अगर आप लोको साइड वगैरह में रहना चाहते हैं जहाँ एक ही प्लेस पे पोस्टिंग होती है तो आपके लिए TRS अच्छा है, क्योंकि लोको साइड की वर्क प्रोफाइल जो है वो आपकी कन्फाइंड एरिया में होती है, जबकि सिग्नल की जो है वो आपकी डिफरेंट लोकेशंस पे होती है। लोको साइड में ट्रांसफर्स वगैरह नहीं होते ज़्यादातर, और आपका अगर आप उसमें पोस्टेड है सिग्नल में तो आपके ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं कहीं कहीं दूर दूर डिविजन्स में डिफरेंट प्लेसेस पे, तो ये आपकी जो प्रेफरेंस है उस हिसाब से आप अपना चूज कर सकते हैं। मानस नमन गुप्ता लिखते हैं, सर कंसीडरिंग द प्राइवेटाइजेशन इन फ्यूचर व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन न्यूली ज्वाइन रेलवे ऑफिसर एंड दोज हु आर गोइंग टू ज्वाइन। नहीं अभी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा प्राइवेटाइजेशन का आप लोगों पे, क्योंकि अभी प्राइवेट धीरे धीरे होगा, तो अभी कुछ एरिया हो रहे हैं तो अभी बाकी, लेकिन इंडियन रेलवे वर्क करेगा और इंडियन रेलवे जो है वर्क कर रहा है, तो अभी प्राइवेट पूरी तरह से हो जाएगा, इसका चांसेस तो अभी कम है और प्रॉस्पेक्ट ब्राइट है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो सिर्फ खाली PPP पार्टनरशिप पे कुछ 151 ट्रेन्स का हुआ है डिसाइड, तो अभी ठीक है, अभी तो काफ़ी टाइम लगेगा, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी आसानी से ऐसे प्राइवेटाइज होने में टाइम लगेगा, ऐसे नहीं हो जाएगा तुरंत से। और SB अर्णव सर अपडेट अभी नहीं है। पारस मोहन
सर प्लीज़ रिप्लाई कैन बी गो एम टेक वाइल फ्रॉम आई आई टी वाइल डूइंग जॉब, ये मैं रिप्लाई पहले भी कर चुका हूँ, आप कर सकते हैं। स्टडी लीव लेके 1.5 साल का स्टडी लीव एम टेक के लिए चाहिए, 2 साल का मिल जाता है, पेड लीव होता है, आपको सेंक्शन कराना होता है। और श्रेष्ठा ग्रेविला श्रेष्ठा श्री श्रीहर्षा ग्रीमिला कमेंटेड, सर थैंक यू फॉर शेयरिंग मोस्ट वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू श्रीहर्षा, आपका नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यूटी पाई कमेंटेड, सर कैन दो जोनल जोन्स फॉर कैन चूज जोनल जोन्स फॉर पोस्टिंग, नहीं नहीं, ये आपको आप चूज़ नहीं कर सकते, ये आपकी यूपीएससी रैंकिंग और आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, आप यूपीएससी रैंकिंग आपकी के हिसाब से जो है और बाकी लोगों की प्रेफरेंस के हिसाब से आपको अलॉट की जाएगी। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको नो डाउट मनचाही जोन मिल जाएगी, लेकिन अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो फिर आपको मनचाही जोन नहीं मिलेगी और कोई और जोन लेनी पड़ेगी। पर आप अगर किसी ऐसे एरिया से हैं जहाँ की जोन प्रेफरेंस में जो लो जाता है, जैसे सदर्न है या आपका बाकी जो साउथ ईस्टर्न वगैरह जोन है जो कि लोग प्रेफर नहीं करते हैं, तो हो सकता है आपकी रैंक लो हो और तब भी आपको मिल जाए टॉप चॉइस पे। बट जो नॉर्दर्न और NCR वगैरह रहती हैं, वेस्टर्न वगैरह, इसकी डिमांड रहती है, तो इसके लिए तो थोड़ा हाई रैंक आना ज़रूरी है। उसके बाद आर्यन कमेंटेड, सर CPWD पर पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाइए। मैं रेलवे वर्सेस CPWD में काफ़ी कुछ CPWD के बारे में बता चुका हूँ, आप उसको देख लीजिए, आपको काफ़ी डिटेल में आइडिया मिल जाएगा। बाकी अगर इन फ्यूचर होगा तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। भूषण कदम कहते हैं, पर पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं वो टेक्निकल है, तो उस जगह सिविल सर्विसेज से कोई कैसे आ सकता है? नहीं, एक्चुअली टेक्निकल है, डैट इज़ ओके, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, बट उसमें क्या है कि जो अभी मानना है वो ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैं या जो मैनेजरियल जॉब है उसके लिए हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, जो ग्रुप ए जॉब्स हैं, और टेक्निकल वर्क जो है वो आपका SSC लेवल पे जो होता है रिक्रूटमेंट, और वही ग्रुप बी भी होने का चांसेस है और AE भी उसमें बनते हैं प्रमोशन होके, तो वहाँ से ये मैनेज हो जाएगा। और डायरेक्ट क्लास वन अफसर जो है वो मैनेजरियल वर्क करते हैं, तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज रहे तो वो प्लस पॉइंट होगा, ऐसा मतलब मुझे लग रहा है। हालांकि प्रॉब्लम आएगी क्योंकि टेक्निकल एरियाज की नॉलेज भी ऑफिसर्स को होना चाहिए, तभी वो उसको अपने डिसीजंस दे सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इशू। नमन गुप्ता कहते हैं पावर इलेक्ट्रिकल जाइए सी बेस्ट। नमन गुप्ता कहते हैं कि ये मैं पढ़ दे चुका हूँ इनका आंसर। सुस्मित जसवाल कहते हैं, सर डू रेलवे हैव एनी जॉब फॉर कंप्यूटर साइंस? नहीं, कंप्यूटर साइंस का वर्क है होगा भी तो आपको आना, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या किसी ब्रांच से पड़ेगा, इस कंप्यूटर साइंस ब्रांच से एग्जाम नहीं होता है। आशुतोष कुमार कहते हैं, सर क्या CPWD में JEE से प्रमोट होकर IAS बिल्कुल बन सकते हैं? भाई आप प्रमोशन में आपको एग्जाम क्रॉस करना पड़ता है, प्रमोटिंग ऑफिसर्स का एग्जाम क्रॉस करके आप बन सकते हैं। नीतीश बैरागी, सर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में जॉब कैसे मिलता है? देखिए भाई, हमारे यहाँ से तो जो ऑफिसर लेवल पे लोग डेपुटेशन पे जाते हैं, डेपुटेशन निकलती है, उससे रेलवे में से लोग जाते हैं, बट जो नए लोग हैं उनके लिए भी वैकेंसीज निकलती रहती हैं, आप अप्लाई करिए और उनका जो प्रोसीजर है, रिटर्न होगा या जो इंटरव्यू होगा उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अजिंक्य राज लिखते हैं, थैंक यू सर फॉर नेक्स्ट CPWD। ओके अजिंक्य। गजराज बराड़े कहते हैं, सर रिक्वायर्ड डील परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस आइडियल प्रेफर फॉर सर्विस फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बताइए। वो मैं बता चुका हूँ, जो मैंने अपनी बढ़ी थी, जो मुझे लगता है कि CPWD अच्छा है, आपका रेलवे अच्छा है, और उसके बाद लोग MES भरते हैं, और बाकी फिर उसके बाद आपका अगर स्टेबल टाइप चाहते हैं, आपके अपने प्रेफरेंस है, तो आप सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज भी भर सकते हैं, और उसके बाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और ये नेवल आर्मामेंट और बाकी सर्विसेज हैं वो लोग भरते हैं, तो यही है। मनीष कुमार कहते हैं, सर IDSE पे भी एक वीडियो बनाएंगे, MES पे आपका मतलब है, ठीक है, इस पर भी एक वीडियो बना के लाएंगे। जयेश प्रदेश से कहते हैं, थैंक यू सर। सोमया राजन कहते हैं, सर एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट। ओके। अभिषेक शुक्ला कहते हैं, सर SSC JEE में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रमोशन कितने समय में होता है? हाँ, इसमें टाइम लगता है, मैकेनिकल इसमें जो है प्रमोशन में 8-10 साल लग जाता है, और बिना एग्ज़ाम के आपको आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे अगर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करेंगे। फ्लैश कमेंटेड, IRS के नाम पे हम स्टूडेंट को बेवकूफ़ बनाया जाता है। बैकेंड नहीं, आएंगी, थोड़ा टाइम लग रहा है फाइनलाइज होने में चीज़ें, तो आज हम लोग यहीं ऐड करते हैं, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन हैं वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारे क्वेरीज थे, तो जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।